यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ने मिर्जापुर के 2 सीटों चुनाव व मझवा विधानसभा पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा, जिसकी जानकारी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव व मिर्जापुर मंडल प्रभारी अरुण कुमार ओझा ने प्रेस वार्ता कर दी। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की ये रिपोर्ट। जी अपना परिचय बताएं। मैं अरुण कुमार ओझा, प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी प्रभारी मिर्जापुर मंडल और वर्तमान में प्रत्याशी खेल विधानसभा वाराणसी। ये बताएं कि आप इस बार प्रत्याशी बने हैं चुनाव में, क्या मूल सुविधाएं देने के आप जनता के बीच में किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए हमारा मुख्य मुद्दा इस चुनाव में है विकास, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। मेरे 3 मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो बेरोजगारी को लेके है, क्योंकि इन्होंने रियल इस्टेट को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया, जो कि आपके रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र होता था। पर्यटन में थोड़ा बहुत काम कॉरिडोर के नाम पर जितना डिडोरा पीटा जा रहा है अपना हुआ नहीं, 10% बढ़ जाए वो भी बहुत। और आप लोग स्वयं जान रहे कि आजकल रोजगार की क्या स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में, युवा टेक्निकल युवा भी परेशान है आज रोजगार के। ठीक जी अपना परिचय बताएं। जी मेरा नाम जयप्रकाश नारायण पाठक, मैं लोजपा चुनार विधानसभा का कैंडिडेट हूँ 398। ये बताएं कि इस बार चुनाव में आपको प्रत्याशी बनाया गया है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच किन मुद्दों पर जाएंगे? देखिए हम तो जनता के बीच के सदैव से बने हुए हैं, एक समाज सेवी हैं, हमने तमाम कार्यक्रम किए हैं। बनारस में मिर्जापुर से जो है पूर्व सैनिकों का भी सम्मान समारोह कराया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के हाथों सम्मानित कराया गया। हमारा मेन उद्देश्य जो है मूलभूत सुविधाओं है, जैसे हमारे ग्रामीण अंतरों में सड़कें हैं, शिक्षा हैं, जो गंदे नाले के पानी जो है विद्यालय के शिविरों के माध्यम से विद्यालयों में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब हमारी लोकल मूलभूत सुविधाएँ, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, यही हमारी मेन उद्देश्य है जनता के बीच जाने का। जी अपना परिचय बताएं। जी मैं अर्चना मिश्रा, लोक जनशक्ति पार्टी से महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस फिलहाल मैं 397 मझवा विधानसभा से प्रत्याशी हूँ लोक जनशक्ति पार्टी की। जी बताएं कि जनता के बीच में किन मुद्दों पे आप जाएंगे, क्या मोटिव आपका रहेगा? जनता की जो मूल समस्या है मेरे विधानसभा से है, तो वो सिंचाई की समस्या है, अवैध खनन की है और शिक्षा के ऊपर है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने युवाओं यूथ के लिए यूथ कमीशन की बात कही है कि हम आएंगे अगर तो यूथ कमीशन का करेंगे। हाई स्कूल तक सभी बालक बालिकाओं की सभी वर्ग, किसी भी धर्म जाति का नहीं विशेष, सभी के लिए फ्री शिक्षा का लाएंगे। और जो भी रोजगार नहीं हो, भर्ती नहीं हुई है, तो नई रोजगार का सृजन किया जाएगा। ऐसी हमारी पूरी समस्याएँ हैं। ये बताएं कि मेन मुद्दा आपका क्षेत्र में क्या रहेगा और किससे आपकी लड़ाई है वहाँ? लड़ाई तो देखिए सभी के साथ रहेगी, सबके साथ है लड़ाई। और बेसिक हमारा जो मेन मुद्दा है कि क्षेत्रीय लोगों को और क्षेत्रीय समस्याओं को करना, युवकों को रोजगार मुहैया कराना, सिंचाई की समस्या है, अवैध खनन की क्षेत्रीय समस्या है, इन सब पे हमारा मेन मुद्दा।